हाय फ्रेंड्स, दीपक टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग के सामने एक नया वीडियो लाया हूं। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं सिलेक्शन शॉट के बारे में। दोस्तों, अभी तक हम लोग बबल शॉट और इंसर्शन शॉट और मर्ज शॉट के बारे में पढ़ चुके हैं। तो शॉटिंग जो होता है वो होता है अरेंजमेंट करना नंबर का असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं कि मतलब सिलेक्शन शॉट में किस तरीका से हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाए। एक आप लोग को अनसॉर्टेड लिस्ट दिया रहेगा, उसमें से आप लोग उसको सॉर्ट कैसे करेंगे। दोस्तों, आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, आइए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं सिलेक्शन शॉट। सिलेक्शन शॉट में आप लोग को एक एलिमेंट दिया रहेगा फ्रेंड्स, जिसमें से आपको एक एलिमेंट लेना है। कौन सा एलिमेंट? जो सबसे छोटा एलिमेंट हो वो एलिमेंट आप लोग को सेलेक्ट करना है। वो एलिमेंट सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले उसको लिख देना है। उसके बाद इसी तरीका से फिर एक छोटा सा एलिमेंट क्या करना है, सेलेक्ट करना है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। पहले सबसे पहले छोटा एलिमेंट लेंगे, उसको पहले लिखेंगे, फिर जो उसके बाद छोटा होगा उसको लिखेंगे, ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में क्या करेंगे, सजा देंगे। ये क्या हो जाएगा, सॉर्टेड हो जाएगा। अनसॉर्टेड लिस्ट मतलब आप लोग को कैसे भी नंबर दिया, छोटा बड़ा ऐसा दिया रहेगा, आप लोग उसको एक बढ़ते हुए क्रम में सजाएंगे, जिसको बोलते हैं सॉर्टिंग। और अगर छोटा से जो मतलब अनसॉर्टेड लिस्ट से छोटा वाला को सेलेक्ट करके पहले लिखेंगे उसको क्या बोलेंगे, सिलेक्शन सॉर्ट। तो आइए हम लोग एक एग्जांपल से करते हैं और आप लोग कोशिश करूंगा कि बहुत इजी वे से आप लोग सिलेक्शन सॉर्ट समझ जाए। तो हम लोग दोस्तों एग्जांपल लेंगे, वो जैसे कि ले लेते हैं 10, ठीक है। उसके बाद हम लोग ले लिए 30, उसके बाद ले लिए 5, उसके बाद ले लिए 45, उसके बाद ले लिए 7, उसके बाद ले लिए 90, उसके बाद ले लिए 60। तो दोस्तों देखिए, हम लोग ये एक एग्जांपल है, क्या है, एग्जांपल है। और ये जो है दोस्तों, ये क्या है, अनसॉर्टेड लिस्ट है। ये एक क्या है, अनसॉर्टेड लिस्ट है, अनसॉर्टेड लिस्ट, सॉर्टेड लिस्ट है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या बताए थे, सिलेक्शन सॉर्ट में होता है जो सबसे छोटा एलिमेंट होता है उसको सेलेक्ट करके पहले लिखेंगे। तो इस सब में सबसे छोटा देखिए कौन है, 10, 35, 45, 7, 90, 60। तो सबसे छोटा एलिमेंट इसमें ये है, तो ये आगे आ जाएगा। इसके बाद फिर अनसॉर्टेड अकॉर्डिंग लिख देंगे, 10, 30, 45, 7, 90, 60। अब ये मतलब इस वाला भाग को बोलेंगे सॉर्टेड पार्ट, सॉर्टेड पार्ट, और पार्ट, और इस वाला भाग को क्या बोलेंगे, ये जो भाग होगा इसको बोलेंगे अनसॉर्टेड पार्ट, सॉर्टेड पार्ट बोलेंगे, ओके। अब हम लोग इस सारा कौन सा छोटा, इसमें 7 है, तो देखिए 5 के बाद 7 कर लिए, उसके बाद फिर 10, 30, 45, 7 आ चुका है, 90, 60, ठीक है। ये देखिए एक मतलब हुए में सच रहा है, छोटा के बाद बड़ा, इसमें देखिए छोटा है, बड़ा है, फिर छोटा है, तो ये अनसॉर्टेड है। फिर इसमें सबसे छोटा क्या है, 5, 7, 10 है, तो 10 इसका इधर ले आइए, उसके बाद 30, 45, 90, 60, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए सॉर्टेड होता जा रहा है, ये सॉर्टेड वाला भाग है। फिर देखिए 5, 10, इस सारा में कौन सा है, 30 है, तो 30 को इधर ले आइए, 45, 90, 60 को इधर ले आइए, फिर 5, 7, 10, 30, 45 को इधर ले आइए, 90, 60 को इधर ले आइए। अब 5, 7, 10, 30, 45, ये 60 इधर आ जाएगा, बच के आ जाएगा 90। तो दोस्तों ये देखिए, ये हम लोग का क्या है, सॉर्टेड लिस्ट, ये क्या है, सॉर्टेड लिस्ट, ओके। तो दोस्तों हम लोग सिलेक्शन सॉर्ट में देखें कि एक अनसॉर्टेड लिस्ट दिया रहेगा, ठीक है, जिसमें से क्या होगा कि हम लोग जो सबसे छोटा वाला एलिमेंट रहेगा, जैसे कि यहाँ पे 5 था, 5 को लिए, उसके बाद 7 को लिए, उसके बाद 10 को लिए, उसके बाद 30 को, 45 को, 60 को,
ऐसे सॉर्टेड, जो मतलब सिलेक्शन सॉर्ट में जो सबसे छोटा वाला एलिमेंट रहता है उसको पहले लिखते हैं और ऐसे कर कर का हम लोग उसको सॉर्टेड बनाते जाते हैं। जो अनसॉर्टेड लिस्ट होता है उसको सॉर्टेड कर करके सॉर्टेड करते जाते हैं। तो ये हम लोग को क्या हो गया, सिलेक्शन सॉर्ट हो गया दोस्तों। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।